भाई गाड़ी घर में कौन चलाता है? मजा आ जाएगा ब्लॉग को देख के। शिमल वाली, ओए ढक्कन खोल दिया, ओह गिर गई यार गाइस। घर के काम वाली ना सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि सारी साफ सफाई ना मुझे देखनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? हो करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो खुशखबरी है गाइस, हमारा राम जो है वो मिल गया है। रात को हमने 4-5 घंटे से ढूंढा पर उस टाइम नहीं मिला था, क्योंकि अंधेरा भी था तो दिख नहीं रहा था। अभी सुबह 7 बजे से हम लोग 8:30-9 बजे तक लगे रहे हम। तो फाइनली राम पकड़ में आ गया और राम को नीचे वापस गंगा के साथ छोड़ दिया है। तो अभी बज रहे हैं 10, मैं जा रही हूँ नहाने। नहा के करती हूँ फटाफट से पूजा। पूजा करने के बाद तीनों जो बच्चे हैं वो नहा चुके हैं। अयान सो गया है, जैद और तुबा जो है अपने वाले रूम में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैसी हो गया फिर से। मैं जितना भी सफाई करती हूँ ना वापस से ऐसा ही हो जाता है। तो थोड़ा ना सामान वामान बता दिया कहाँ कहाँ क्या सेट होगा, उतनी देर में सेट होगा उतनी देर में मैं नहा के आ जाऊंगी। तो भाई ये वाली अलमारी पूरी सेट कर दी है। और यहाँ से भी मैंने शांति को बोला है, इस अलमारी में चीकू ने बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं और वो ना अच्छे नहीं लग रहे, तो सारे टॉयज भी मैं सारे सेट करवाती हूँ। तो मेरा शावर हो गया डन, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मिलती हूँ आपको पूजा के बाद। तो भाई यहाँ से गाड़ी निकल रही है मेरी, एक घर में पार्क करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे ना घर से लेके जाते चला के। आ जाओ। तो ये बन रहा है मलाई वाला घी जो घर का हम बनाते हैं, और यहाँ पे बन रहा है धीरज भैया के लिए फास्ट का खाना, क्योंकि उन्होंने 9 के 9 फास्ट रखे हैं। तो फास्ट का खाना बना। पूजा कर गए भैया? तो हमारे ऊपर वाले मंदिर में ही भैया पूजा करते हैं। भाई गाड़ी घर में कौन चलाता है? ओ तुबा आयन, घर में गाड़ी कौन चलाता है? चलो घर से बाहर। चलो घर से बाहर, बाहर जाओ। तो यहाँ पे ना मैंने ORS मंगाया है जैद आयन तुबा तीनों के लिए, क्योंकि जैद को ना लूज मोशन लगे हुए थे कल, ज्यादा हो गए थे। तो मैं रात को 12:30-1 बजे के करीब डॉक्टर की बस लेके गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि दवाइयाँ तो इसको जो है पहले आप माइल्ड दे रहे, अब स्ट्रॉन्ग दे रहे, अगर अब भी नहीं हो रही है लूज मोशन बंद तो फिर एडमिट करना पड़ेगा। तो आज या कल में जो है चीकू पापा और गोलू आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। क्या पता आज तो सुबह से एक ही बार उस टूल हुआ है, अब देखो शाम तक का क्या रिपोर्ट रहता है फिर मैं आपको बताती हूँ। तो भैया बच्चों के टॉयज ना अभी खोल लेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो ये अभी यूज नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहेंगे ना, वैसे इनके टॉय जो जो काम किए वो निकालते रहेंगे। तो मैंने ये अलमारी खाली पड़ी थी, तो इस अलमारी में सारे टॉयज जो है ना सेट कर रही हूँ, ताकि क्योंकि चीकू खोल देता है सारे टॉय, बच्चा है ना उसको पता नहीं है कि भाई बहन का टॉय वो खोल देता है, तो उससे छुपाने के लिए मैं जो है सारे टॉयज यहाँ पे रख रही हूँ। तो गाइस ये वाला पूरा सेक्शन जो है मैंने बंद किया है। अब मैं जो है नीचे आती हूँ और नीचे भरती हूँ, चाहे थोड़ी सी जगह और ये ले दे। तो भाई ये वाला भी पूरा सेक्शन भर गया है, अब देखते हैं अच्छे से सारा सेट करती हूँ। तो भाई यहाँ से सारे गिफ्ट जो है अलमारी में शिफ्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल गया। बच्चों की गाड़ियाँ है वो तो खड़ी करनी पड़ेगी। मैं सोच रही नीचे 2-3 दिन पार्किंग एक्स्ट्रा ले लूँ गाड़ियों के लिए, गाड़ियाँ फिर वहीं पार्क करें। तो भाई सुबह से घर का सारा काम करे जा रहा है। अब लग रही है भूख, तो पहले कर लेते हैं पेट पूजा, फिर करते हैं काम दूजा। और गाइस चीकू के ब्लॉग में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ है ना, अगर जिसने भी नहीं देखा ना जल्दी जाके देख लेना, मजा आ जाएगा ब्लॉग को देख के। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और कुछ भी मिस ना हो। कहाँ चली सवारी? भाई सो रहा, आप क्यों नहीं सोते हो? बहन भी सो रही है, बस इतना ही चलना था इसे। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, तीनों भाई बहन बैठे हैं एक साथ। हां लक्ष्मीपुरी ड्राइविंग कर लक्ष्मी, ओ देखो आ ड्राइवर देखी, तीन ड्राइवर देखे ने कभी गड्डी दे ऊपर रेल बना लक्ष्मी, वैसे गड्डी भी सोच दी उन्हें किथे फंस गई मैं, गड्डी दी रेल बन रखी जिद्दां दी गड्डी आई है। भाई तुमने गाड़ी को गड्ढा बना दिया गाड़ी को। तो यहां पे जैद भाई स्लाइड कर रहा है। जैदू कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है बेटू? ये पता तोड़ रही है। तो वो कहा कर रहे हो? चलती गाड़ी में फल तोड़ के लेके जा रहे हो? फल का लगे हो? फल का लगे, फल का लगे, फूल तोड़ रही है, पत्ते का लगे है, पत्ते है। तेन समझ आ गई ना? ऑडियंस ने समझ आ गई। आपने गाड़ी नो पार्किंग में लगा दी है, ड्राइवर तो उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। ड्राइवर को डिस्टर्ब, ड्राइवर अभी कच्चे हैं। तो यहाँ पे आज आंटी झूठे ले रही है, नहीं झूले ले रही है। आंटी कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं मन्नू को बिठाया, मैं तो नीचे बैठ के मन्नू मेरे को उठा ही नहीं पा रही। मैंने कहा आंटी आप आओ, आंटी 70 किलो की, मैं 61 थी। लक्ष्य वैसे एक गल कहां, जदों तो बच्चों का बर्थडे आया ना उदों तो सारे टब्बर बच्चे बने बैठे ने। सारा परिवार बच्चे बने बैठे, सारे जवाक आले काम, सारे आंटी ने पानी वास्ते जवाक लड़ाते कपड़े सारे गिल्ले करने। इन्नू पिया दो, इन्नू पिया दो, यान्नू पिया दो, मैनू पिया कद, मैनू पिया, यान्नू पिया दो। जैदू क्यों रो रहे हो भाई? क्यों हो गया? ओ
आंसू तो देखो इन मुंडे दे लक्ष्य आप बहुत ज्यादा नाजुक बंदा है उधर उधर आंसू देख तो कितने मोटे भाई भाई को भी प्यासी लगी है भाई को भी प्यासी लगी है यार ये की बनेगा इन्हों का ये पानी पीछे भी लड़ पे फिर वे की बनूगा ले ले भाई पानी के लिए भी रो रहे हो आप आयानु भाई को पानी के लिए रुला रहे हो आप मत रुवाओ भाई किसको पीना है आपको पीना है कि भाई को पीना है खड़ी हो जा चल अपने सत पे खड़ी हो जा नहीं खड़े होके दिखाओ खड़े होके दिखाओ नहीं नहीं अभी जान है पैरों में जान है नहीं है जान नहीं है जान नहीं इतनी बड़ी क्यों ले रहे छोटी वाली लो छोटी वाली शिमोल वाली ओए ढक्कन खोल दिया अपे आप ढक्कन खोल दिया अनु को भगवान जी के पैर छूने हैं अनु को भगवान जी के पैर छूने हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ हां भाभी बोल रहे हां दिया उठाना है इसको वहां से देख देख कोशिश देखे जी देखो कुछ पैर देखता है पैर देख कितने उठा रहा है कोई खाने की चीज है ये कोई खाने की चीज है हाँ कैपिंग कैपिंग अनु ये को खाने की चीज है यहाँ पे छोटू भी लग सकता है ना चलो चलो मामा के साथ घूमी घूमी कल आपको झूला नहीं झुलाया था ना चलो आपको झूला झुला झूला झूले चले मम्मी इधर है मम्मी यहाँ पे तो भाई यहाँ पे मैं इसको झुला रही हूँ अकेले वैसे ऐसे करके और वहाँ पे दोनों भाई बहन गाड़ी में अपने ड्राइव कर रहे हैं लेके चलते हुए भी ड्राइव कर रहे हैं तो तू भाई इस गाड़ी में ऐसे घूम रही जैसे जंगल सफारी कर रही हो और ये हमेशा ना आगे खड़ी रहती है इन दोनों को चाहे ये बैठा हो चाहे ये बैठी हो दोनों को नीचे बिठाएगी खुद आगे अच्छा और साइड साइड से पत्ते पकड़ पकड़ के अपनी गाड़ी में डाल के ले जा रही है ताकि ऊपर हरा भरा रहे बेटा ऊपर पौधे हैं चलो छत पे लेके चलूंगी तुम्हें चलो गाड़ी अंदर लेके जाओ चलो चलो और लिफ्ट बंद होगी लिफ्ट बंद होगी चलो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी अब चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो 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 ड्राइवर आगे ड्राइवर बहुत तगड़ा है चलो ड्राइवर आगे तो बच्चों की गाड़ी की सेफ पार्किंग होगी वहाँ पे देखो आराम से पार्क कर दी और चार्ज पे भी लगा दी है और ना तीन बच्चे जब इसके अंदर बैठते हैं तो गाड़ी के टायर थोड़े दब जाते हैं तो अब एक कोशिश करेंगे दो दो करके बिठाएं बच्चों को तो आप लोगों को ये बोल रही थी मैं कि अभी बच्चे आके वॉकर पे बैठ गए और दो ही वॉकर एक वॉकर रही है तो गाइज ये अफसोस है कि इतने सारे गिफ्ट आए इतने महंगे महंगे गिफ्ट आए पर वॉकर नहीं आया और अब मुझे लगता है वॉकर की शायद आगे और एक महीने बाद वॉकर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो बस दो ही वॉकर में काम चला लिया बच्चों ने पूरा एक साल निकाल दिया दो वॉकर में और वॉकरों की ऐसी हालत हो गई ऐसी हालत मतलब उन्होंने पूरा पैसा वसूल किया है वॉकर यूज करके और बाकी इतने सारे टॉयज हैं मैंने आज अलमारी में इसलिए लगा दी मैंने कहा चीकू खोल देता सारे मेरे सब सेफ कर दिया तो गाइज अभी हो गया हमारे चाय पीने का टाइम तो चाय बन के आ गया चाय के साथ ना मैं इतने सारे बिस्किट लेके आई थी मैंने एक बार भी नहीं खाया अभी मैंने बोला बिस्किट दे दो कह रहे नहीं है मैंने कहा गाठिया दे दो कह रहे नहीं है मैंने कहा नमक पारे दे दो कह रहे नहीं है तो अभी मुझे ना ये नान कटाई मिली है ओ गिर गई यार गाइस उधर जाओ उधर जाओ तो मेरे नान कटाई गिर गए सारे गाइस ये देखो गाइस और ये लड़का मेरे पीछे पीछे सॉरी अरे अच्छा मैंने एक चुरा के ले गया ये भी चुराने आया है ले तू भी चुरा ले हाथ में पकड़ो इसको देखो अभी ये चुहिया यहाँ खड़ी होगी हाँ खड़े हो तो चुहिया अभी बिस्किट और एक मिनट बिस्किट ले रखी है एक मिनट नमक पारा अभी खड़े होने की कोशिश कर रही है दोनों की मुट्ठी बंद है तो खड़ी नहीं हो पा रही तू मैं उठाऊ मम्मा उठाए बहन भाई का मिलाप हो रहा है ये री बहन ये रहा भाई अभी दोनों एक दूसरे को चूहे बिल्ली बीच में बॉर्डर है बीच में बॉर्डर अभी चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे दोनों अब देख लो वो मिलने आए आनू इधर आओ पापा के कमरे में जाओ तो इस लड़की के ना यहाँ पे ना नाखून लगा हुआ पता नहीं दोनों भाइयों में से किसने मारा इतनी जोर से नाखून लगा हुआ ये देखो अभी मुझे ये हो रहा था कि चलो जैद थोड़ा ठीक हो रहा है अब ये दो बच्चे फिर से वही हो गया यार मुझे लग रहा है टीथिंग की वजह से हो रहा है ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है चार बार लूज टूल आयान ने कर लिए तीन बार अब तक तू बने कर लिए और जैद ने तो जैद पहले से थोड़ा ठीक ही है क्योंकि दवाई कंटिन्यू दे रही हूँ मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि इसे भी दवाई शुरू करनी पड़ेगी जैद और आयान की चल रही थी तू बाकी नहीं चल रही थी अब मुझे लग रहा है जो सेम दवाई मैं उनको दे रही हूँ ना ये दवाई इसको भी देनी पड़ेगी तू बाबू तो गाइस यहाँ पे ना आपको पर्दा भी दिख रहा होगा वो पर्दा जो है मैंने कल हटवा दिया है वो पर्दा मैंने कहा लगवाया है मैं दिखाती हूँ आपको कमरे के अंदर क्योंकि बच्चे बार बार खींचते हैं और किसी दिन ना पूरी रॉड ही उनके ऊपर मुंह पे लगते हैं तो मैंने पर्दा ना बाहर की तरफ से लगवाया है यहाँ पे चैनल लगवा के ना बाहर वाली खिड़की में लगवा दिया पर्दा बाहर से दिखाती हूँ तो गाइस आज ना मैंने नीचे के 10वें फ्लोर की सफाई करी है खुद दिखाती हूँ जाके और अब मुझे लग रहा है यहाँ पे भी वो पूरी वाली अलमारी साफ करी अब यहाँ पे भी मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि इस घर के काम वाली ना सिर्फ मैं ही हूँ क्योंकि सारी साफ सफाई ना मुझे देखनी पड़ती है ऐसा नहीं है काम सारे लोग करते हैं पर ना लोग सबको ये नहीं पता कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए वो मैं ही देखती हूँ तो अब ये देखो यहाँ पे इतना सारा फैला हुआ है ये भी मुझे उठा के रखना पड़ेगा सारा तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ और यहाँ पे इधर देखो कहाँ कर ली हो आप यहाँ यहाँ कहाँ गल मम्मा काम ना करे मम्मा काम ना करे मेरे दोनों छोटे बंदे कहाँ गल है मेरे दोनों छोटे बंदे कहाँ गल है भाभी खोल भी लिया इधर देखो 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 ओहो ये तो उंगली अंदर कर उंगली आ जाएगी आनो
देखो उंगली आएगी इसकी, तो बस ये यहाँ से साफ कर दी पूरी। अब कल जो है, कल या परसों में यहाँ पे पूरी अलमारी आ जाएगी। और अलमारी आने से पहले ना मेरे को ये चेंज कराना, क्योंकि लूज हो गया, यहाँ से पानी आता है। मैं यहाँ पे पूरे में ना शीशा लगवा दूंगी ताकि ये वाला जो एरिया ना हमारा यूज में आ जाए। मैंने सोचा बच्चों के लिए एक बड़ी अलमारी हो जाएगी ना, तो बच्चों का एक कमरे में, ये वाले कमरे में और इधर वाले कमरे में, वहाँ पे बार बार भागना नहीं पड़ेगा आंटी को, यहीं से सारा काम हो जाएगा। बाबू ये चेयर भी अंदर रख। ये बोल रही है भाभी मेरी मेरी अलमारी बना दो। क्या करूँ इसकी? मेरी मेरी अलमारी बना दो। बना दी तेरी अलमारी से पहले बनाऊंगा। करो पापी करो, करो पापी करो। खुश हो रही है। चेयर उधर, शक्ल देखो कैसे बना रही है। यस चूहल लग रही है मेरी, जैसी चूहल लग रही है। चूहल करो, चूहल छोटी पिग्गी, छोटी पिग्गी। तो अभी तूबा को भी मैं ये वाली मेडिसिन दे रही हूँ, जिससे कि ना उसकी लैटरिंग रुक जाए। और ये वाली दवाई ना बच्चे बहुत खुश होकर लेते हैं, अपने आप ही ले लेते हैं। देखो अभी मैंने इसको दे दिया, वैसे मैं पिला चुकी हूँ, खा लिया। आपको भी मिली है, आ जाओ। स्माइल कर रहा पीछे बैठ के। ये देख स्टाइल देख ले इसका, बहुत स्टाइल वाली होगी आजकल तो। दे रही हूँ आपको भी, दे रही हूँ अनु। जादू को तो दे दी मैंने, जादू ने मिली। देखो दीदी लेना एक बार अनु को, लो जादू आप भी। आपने वाली खा ली, टीथ वाली खा ली, ये मुंह पे आपने बिस्किट लगाया इतना सारा बिस्किट। गाड़ी बैठा गया, उतारो उतारो बोला आपने, उतारो बोला। जादू मारते फिर गंदी बात करो, मैं फिर पिटी करूंगी। दीदी को भी डांटा था मैंने ऐसे करके डांटा था। दीदी रोई थी फिर बहुत। अच्छी दवाई मीठी दवाई, मीठी दवाई मीठी दवाई मीठी दवाई तुम मीठी दवाई मीठी दवाई मीठी मीठी मीठी। ये तो ये भी मीठी है, मीठी। लो लो इसको ले लो, फिर तुम इसको ले लो। एक बार मीठी दवाई, वाह वाह हो गया हो गया। तुबा अपना रामू था ना, रामू रामू था ना, जो मेरी तरफ भी देख ले। पापा नहीं है, पापा दिल्ली है। जो रामू था ना तुबा, वो ने छुपा भाग गया था। मामा मामा तो वो सुबह भाग गया था, तो उसको हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। तो चलो आपको दिखा के लाती हूँ, और नीचे की पूरी सफाई करके आई हूँ, वो भी दिखा के लाती हूँ, आप अप्रूव कर देना। चलो फिर हमारे घर की तो सफाई होगी गाइस। बस अब जब बच्चों की अलमारी बन जाएगी ना, तो बस वो अलमारी सेट होनी है ऑल टोटल पूरा घर। नीचे का 10वां फ्लोर, 5वां फ्लोर अभी सफाई मैंने उस दिन किसी को बुला के एक दिन सफाई करवाई थी, क्योंकि वहाँ की मेड जो है ना काफी दिन से है नहीं। अब वो पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। मैंने लड़कों को बोला नीचे से किसी और को लगा लो, पर उनको ना उसी वाली मेड का वेट कर रहे हैं वो, जो पहले उनके लिए खाना वाना भी बनाती थी। तो उनको ना वही वाली दीदी बहुत ज्यादा पसंद है, तो कह रहे हैं वो दीदी आ जाएगी गाँव से, हम उसे ही रखेंगे उसे रखेंगे। तब से उनका खाना पीना सब ऊपर से चल रहा है, साफ सफाई वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। बीच में एक दिन मैंने एक दीदी बुला के पूरे घर की सफाई कराई थी कल परसों, पर जो डेली रूटीन में सफाई होती है वो उसके काम मुकाबले में भी सफाई नहीं होती। तो भाई राम को ना मैं सुबह यहाँ पे जब सफाई करके गई ना, यहाँ पे ये कपड़ा बांध के गई थी ताकि ये लोग उड़े ना, और राम ना पूरी कोशिश करता है। मैंने जाले के ऊपर जाला रखा हुआ यहाँ पे, तो राम पूरी कोशिश करता है यहाँ से निकलने के लिए। इन लोगों ने ना दीवार को भी खाली कर दिया है, ये देखो यहाँ से भी। तुबा तुबा देखना गंगा है, गंगा कुछ आ रही, पकड़नी पकड़ लो गंगा, पकड़ लो। नन्ना नहीं है, नन्ना नहीं है, गंगा पकड़ो, गंगा पकड़ो, तुबा पकड़ो, गंगा पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तुबा डरते थोड़ी है, तो अपने पैट्स है ना, वो है ना बर्ड्स है ना। आओ आओ आ गया आ गया। क्या हो गया तुबा? बंदर के बच्चे की तरह चिपक गई। तुबा क्या हो गया, क्या हो गया बेटे, इतना क्यों डर गया तू? देखे 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 छोड़ ही नहीं रही। क्या हो गया तुबू, इतना क्यों डरी डरी? हुई हुई फिर चिपक गई। तो गाइस यहाँ से देखो आपको पूरी मैं घर की साफ सफाई दिखाती हूँ जो मैं करी। पूरा घर चमका के गई, पूरा क्लीन, बालकनी सारी क्लीन, सब कुछ क्लीन करके गई थी। यहाँ पे बालकनी भी धो के गई थी, इतनी गंदी थी ये बालकनी, अब साफ है। फिर ये वाला कमरा देखो, ये कमरा भी बिल्कुल चमकदार, नीचे से पूरा टेबल वेबल पूरा डस्टिंग करके गई थी, सारा कमरा ये वाला भी सेट करके गई थी। और ये वाला फ्लोर है जहाँ पे निक्की रहती है ना, वो फ्लोर है। तो ये घर भी मैंने पूरा चमका दिया था, मैंने कहा घर गंदा, क्योंकि दो तीन दिन से ना निक्की भी नहीं थी, तो निक्की का कमरा भी साफ नहीं हो रहा था, और यहाँ का तो वैसे होता ही नहीं था। और ये है निक्की वाला कमरा भाई, तो ये भी पूरा चमका दिया था। और ये है पूरा किचन, बर्तन वर्तन सब धो दिए थे, सिंक ना थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, इस पर कोई लिक्विड विक्विड से इसको साफ करूंगी। और बालकनी अगर आप कल देखा हो ना व्लॉग में, जब मैं यहाँ पे गंगा को लेके बैठी हुई थी, तो ये बालकनी इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी। अभी बालकनी भी मैंने पूरी जो है क्लीन करी है, यहाँ पे सारा सामान जो है मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे सेट कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे फैला हुआ था ना यहाँ पे सेट कर दिया। और ये पूरी बालकनी मैंने क्लीन कर दी है। अब ये जो घर है ना बिल्कुल क्लीन हो गया है, क्योंकि चिकू पापा बोल रहे थे कि पायल जाके ना वो पूरा घर देख लियो, पूरा साफ सफाई कर दियो आज पूरा टाइम। और ये यहाँ पे ना ये भरी हुई थी, जब मैं सुबह धो रही थी ना तो ये भर गया था, तो वो पूरा खुलवाया, पलंबर को बुला के पूरी सफाई करवाई। तू वो चले ऊपर, मिल लिया आप चले, अब घर चले। एक बार ये पास जाए तो देख, देखो
तो गाइस ये थी आज की इस घर की पूरी सफाई और ऊपर वाले घर की सफाई। अब बस अलमारी बनेगी तो पूरा घर अच्छे से एक्यूरेट जहाँ पे जो होना चाहिए वहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारी बंदरिया डर रही है हमारे तोतों से, देखो हाँ, दूर से कर रही है। पास जा, जैसे भाई को मारती ना पंजा ऐसे इनको मार के दिखा, जा 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 मार के दिखा। बड़ी शेरनी बनती है ना ऊपर, देख लो गाइस ये शेरनी, देख लो शेरनी, देखो चूही बन गई, चूही बन गई यहाँ पे। तो वो कहाँ था अंदर, अंदर कहाँ था? डूबो डूबो डर नहीं लगा? डर तो बहुत लगा आपको। तो गाइस हम पहुंच गए ऊपर और अब मेरे को ना नींद आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह 7 बजे की उठी, उसके बाद सोई नहीं। उसके बाद नीचे की सफाई करी, ऊपर की अलमारी सेट करी, फिर पूजा वगैरह भी की थी, फिर तीनों बच्चों को देखने में पूरा टाइम चला जाता है, क्योंकि बच्चे जो है बार बार, दुबा भी स्टूल पास करी थी, अयान भी, जैक का थोड़ा कम था, चलो दवाइयाँ वहीं थी, और पूरा टाइम बच्चों को खिलाने पिलाने में, क्योंकि ये बच्चे ना आजकल खाने में बहुत तकड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं खा रहे। एक एक दो दो चम्मच खिलाने के लिए भी ना हमें ऐसे पीछे आधा आधा पौना पौना घंटा इनके पीछे पड़ना पड़ रहा है, क्योंकि टीथिंग की वजह से शायद इनको लूज मोशन है, लूज मोशन की वजह से शायद ये कुछ खा नहीं रहे हैं। और जो दूध है वो मैंने कम कर रखा, कि दूध जब लूज मोशन लगता है ना तो दूध नहीं लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। और ORS अयान पहले बहुत अच्छे से पी रहा था, पर अब अयान भी नहीं पी रहा है। तो बस मैं थक चुकी हूँ, बाकी दो बच्चे सो रहे हैं, तुबा जाग रही है तो शांति से देख लेगी, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि थकान हो गई बहुत ज्यादा। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना, और यहाँ पे बेल आइकन आ रहा है उसको दबा देना, ताकि ब्लॉग आने से पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी ब्लॉग मिस ना करो। गाने आ चुका है नागनी, जिसने नहीं देखा है नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे जाके गाना भी देख लीजिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।